वर्दी की हैवानियत। व्यवसायी को दरोगा से बकाया पैसा मांगना पड़ा भारी। मामला सीएम सिटी गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां वर्दी का कहर सर चढ़कर बोला। यहां एक कपड़ा व्यवसायी को दरोगा से अपना बकाया पैसा मांगना भारी पड़ गया, जिसकी कीमत आज वो अस्पताल में भर्ती होकर चुका रहा है। पीड़ित रोहित यादव ने बताया कि शाहपुर थाने इलाके में उसकी कपड़ों का शोरूम है। रोहित यादव, क्या हुआ था भैया आपके साथ? हुआ ये था कि बबलू सोनकर साहब और राकेश सिपाही मेरे शोरूम से कपड़ा ले जाते थे, तो 6-7 बार 8 बार ले गए। जब पैसा मांगे तो कहें सैलरी आएगा तो दे देंगे। उसके बाद जब आठवां बार हो गया तो हम वहाँ पे कंप्लेन कर दिया सच्ची साहब को। कहाँ पे? शाहपुर थाने में, अरुण पवार साहब को। फिर वो हमारे शोरूम पे, अरुण पवार साहब राकेश सिपाही को बोला, वो कहने हम 2 ही बार ले गए, तो हम क्या 2 ही बार का पैसा दे दीजिए, तो हमको खाली 4,000 रुपये दिए, जिसमें से 44,000 आदमी बाकी है। उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया कोतवाली में, बेनीगंज चौक इंचार्ज हो गए, पौनी के हमराय में ये हो गए राकेश कुमार। जब दरोगा बबलू सोनकर और उनके साथ का सिपाही राकेश कुमार शाहपुर थाने पर तैनात थे, तब सैलरी आने पर पैसा देने की बात कहकर दोनों ने कई बार उसकी दुकान से कपड़ा लिया और बकाया लगभग 48,000 तक पहुंच गया। इसके बाद पैसा ना मिलने पर रोहित ने इसकी शिकायत इंस्पेक्टर शाहपुर से किया, तो 4,000 मिल गया और 44,000 बाकी रहा। इसके बाद दरोगा जी का तबादला कोतवाली थाने पर हो गया और वह बेनीगंज चौकी इंचार्ज बना दिए गए। इस बीच रोहित की गाड़ी का मामला आया तो दरोगा ने उसको थाने पर बुलाकर बिठाया और उसका चालान कर दिया। इस बीच दरोगा जी रोहित से पुरानी खुन्नस निकालते हुए हैवान बन गए और उसे इतना मारा कि वो आज अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद इधर 20 दिन पहले मेरी गाड़ी लूट हो गई, 2 लड़के लेके गए थे, 4-व्हीलर वाले से टच हो गया, वो सब मारे भी मेरे दोस्तों को और मेरी गाड़ी भी नीचे ले गए, तो विवेचना इनके हाथ में आया था। उसके बाद हमको थाने पे बोला तुम्हारी गाड़ी बरामद हो गई है और आके साइन कर दो, अपनी गाड़ी ले लो। उसके बाद हम थाने पे गए साइन करने, उसके बाद हमको बैठा लिए, उसके बाद रात भर टॉर्चर किए, बुरी तरीके से मारे। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन 151 में चालान करके हमको भेज दिए, हम अपना जमानत करा लिए। आखिर क्यों कारण था? वही जो कपड़ा हम दिए थे, जो उधार। क्या नाम था जो दोनों लोग किए थे? क्या नाम था? बबलू सोनकर और राकेश कुमार। कहाँ पे पोस्टेड है लोग? ये लोग कोतवाली में, बेनीगंज चौकी पे।